And welcome back to the channel. This is Abhinav. So in this video I will talk about my VS Code setup. So it is not a very advanced setup, it is just a simple VS Code with some common extensions. But then also many of you are asking about my setup and was asking about to make a video on my setup. So this video is for that. So enjoy the video and please give it a like and subscribe the channel for more such content. So this is my VS Code screen. So okay, so इसमें मैं कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ VS Code की जो मैं यूज़ करता हूँ अपने VS Code में, और प्लस मेरा जो एक छोटा सा सेटअप है वो इतना बड़ा कोई एडवांस सेटअप नहीं है, बट हाँ CP करने के लिए, कोड प्रोसेस सॉल्व करने के लिए मैं जो कुछ भी प्रोसेस करता हूँ, यूज़ करता हूँ, जो भी एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, उनको सबको मैं आज यहाँ पर डिस्कस करूँगा. तो पहले तो कुछ शॉर्टकट्स होते हैं यहाँ पर, कुछ दिए गए हैं, पर जो बेसिक शॉर्टकट मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको बता दूंगा, जो कि बहुत ही बेसिक है, बहुत कोई बहुत बड़ी एडवांस हाई लेवल चीज़ नहीं यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले तो हम लोग आते हैं फाइल्स के सेक्शन में. तो मैंने यहाँ देख रखा है, यहाँ पर मैंने एक फाइल बना रखी है. तो इस फाइल में क्या है कि मैंने हर जितने भी प्लेटफॉर्म्स में प्रैक्टिस करता हूँ, और एक तरीके से हर प्लेटफॉर्म के फोल्डर यहाँ बना रखे हैं. जैसे कोडस्टेप आ गया, कोडस्टेप के बाद कोड फोर्सेज आ गया, उसके बाद कोड जैम, then there is something like Phenosphere, then free code camp, after that hacker cup, then hacker earth, like this. मैंने हर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबका मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है फोल्डर. फाइन, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक डिफॉल्ट फाइल बना रखी है. आपने देखा होगा यहाँ पर डिफॉल्ट फाइल है, default.cpp. सो ये डिफॉल्ट फाइल क्या है, इस फाइल में मेरे टेम्पलेट पड़ा हुआ है, जो मेरा कोड टेम्पलेट है. जो आप देखते होंगे मेरा कोड, इसमें कुछ मेरा कोड स्टार्टिंग का जो भी डेफिनेशन है वो सब सेम रहती हैं. तो ये मेरा यहाँ पर कोड टेम्पलेट है, यहाँ पर मैं जो कुछ भी फंक्शंस होते हैं मैं ऐड करना चाहता हूँ ऐड कर लेता हूँ, या जो कुछ भी मुझे डिफाइन करना होता है मैं यहीं पर टाइप डिफाइन या कुछ भी यहाँ पर मैं कर लेता हूँ. और जब भी मुझे एक नया कॉन्टेस्ट होता है तो उसको मैं कैसे अप्रोच करता हूँ वो मैं आपको बात करने वाला हूँ. सो फाइन, तो आपने देख लिया कि मैं क्या करता हूँ. मैं एक तो मेरे पास एक डिफॉल्ट CPP फाइल है, इस डिफॉल्ट CPP फाइल का मैं हर कॉन्टेस्ट में यहाँ से करता हूँ कॉपी करता हूँ. उसके बाद मैं जाकर के अपने किसी भी फाइल में इसको पेस्ट करके वहाँ पर कोड करने लगता हूँ. फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स से मेरा एक कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट चल रहा है. सो मेरे पास अभी कोड फोर्सेस की दो फाइल हैं, एक फाइल है contest.cpp जिसमें मैं कॉन्टेस्ट का जो भी क्वेश्चन होता है उसको मैं सॉल्व करता हूँ, ओके. और एक फाइल है practice.cpp जिसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ फाइल. तो मैं दोनों ही मैं अभी आपको रन करके भी दिखाऊंगा कैसे मैं इनपुट करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नई फाइल बनानी है, यहाँ से नई फाइल है ग्लोबल राउंड की, और मुझे लगा एक ग्लोबल राउंड चल रहा है और मुझे उसके लिए नई फाइल बनानी है, इसमें मैं कोड लिखूंगा उसके राउंड का. ये नई फाइल आ गई. अब इस नई फाइल में कुछ नहीं होगा, टेम्पलेट खाली है. मैंने वहाँ से टेम्पलेट कॉपी किया तो मैं वो यहाँ पर आके पेस्ट करूँगा. मेरे पास यहाँ पूरा टेम्पलेट आ चुका है और मैं यहाँ से कोड करना स्टार्ट कर लूँगा. तो ये बहुत ही एक सही चीज़ होती है. अगर आप बिगिनर हैं, आपको ऐसे बारे में नहीं पता है, तो प्लीज़ आप भी अपना एक टेम्पलेट बना लें, एक डिफॉल्ट फाइल बना लें, और हर कोड को लिखने पहले आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर अपना कोड स्टार्ट कर सकते हैं. आपको हमेशा से स्टार्टिंग से इंक्लूड को लिखना फिर फंक्शन बनाना नहीं करना पड़ेगा, और ये एक तरीका होता है फास्ट करने का. फाइन, ओके. तो एक पहले ट्रिप होगी कि आप एक डिफॉल्ट यहाँ पर एक फाइल बना लीजिए जिसमें आप एक टेम्पलेट अपना रख लीजिए. फाइन, अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ एक्सटेंशन के बारे में, जो एक्सटेंशन मैं यूज़ करता हूँ. तो सबसे पहला एक्सटेंशन जो एक है बहुत ही बेसिक है, C++ सबके पास होता है, कोड रनर सबके पास होता है. एक एक्सटेंशन है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग हेल्पर. सो ये जो एक्सटेंशन है भी आप लोगों ने हो सकता सुना हो, कुछ लोगों ने ना सुना हो, पर मुझे कई लोगों ने कमेंट करके पूछा ये कैसा है जहाँ पर आप इंपोर्ट लेते हैं. तो ये एक एक्सटेंशन है, ओके, विच इज कोड फोर्सेस कोड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग हेल्पर. तो ये बेसिकली कोड फोर्सेस कोड सब जैसे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म के लिए ही बनाया गया है. इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं काम करता हूँ कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कोड फोर्सेस की एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल दैट, ओके जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी ओपन अ कोड फोर्सेस क्वेश्चन. ओके फाइन, सो दिस इज अ कोड फोर्सेस क्वेश्चन विच इज ट्रेजर हंट. सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द कोड फॉर दिस क्वेश्चन. सो दिस इज द होल प्रॉब्लम हेयर. सो फॉर एग्जाम्पल दैट आप कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, आपके पास ये प्रॉब्लम आता है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास आपकी फाइल है, मैंने बता दिया आपको फाइल कैसे बनानी है, आपको एक नया फोल्डर बना देना है, ओके. आपको अपने VS Code में नया फोल्डर बना देना है, उसके बाद आपको उसमें अपना डिफॉल्ट कोड कॉपी कर लेना है, ठीक है. फाइन, तो आप देख सकते हैं मैंने इस कोड के लिए ट्रेजर हंट के लिए मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस वाले सेक्शन में मैंने पहले से ही लिख के रखा था अपना कोड. ये रहा इस वाले प्रोटोकॉल में कोड है, ठीक है. मैंने पहले से इसका प्रैक्टिस करके रखा हुआ है.
तो मैंने प्रैक्टिस किया था, ये प्रैक्टिस वाले प्रैक्टिस दो सीपीपी फाइल में ये जो कोड पड़ा है ये पड़ा हुआ है, फाइन ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई कैन मेक सम चेंजेस हियर। ओके बिकॉज आई विल सबमिट दिस फाइल अगेन, दैट्स व्हाई। ओके फाइन, सो दिस इज माई कोड। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास प्रॉब्लम दी रखी है विच इज ट्रेजर हंट। तो यहाँ पर कुछ चार टेस्ट केस दे रखे हैं। अब इन चार टेस्ट केस को मे बी आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू या टर्मिनल के थ्रू रन करते होंगे अपने कोड को वीएस कोड में, पर मैं क्या करूँगा, मैं नॉर्मली इसको कॉपी करूँगा, फाइन, अपने वीएस कोड में जाऊँगा। वहाँ पर जाके मैं ये मेरे पास पहले से टेस्ट केस बनाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ न्यू टेस्ट केस जाऊँगा, अपना इनपुट यहाँ पर कॉपी करूँगा बिकॉज यहाँ पर पहले से मैंने करके रखा हुआ है, और फिर मैं जा करके अपना आउटपुट यहाँ कॉपी कर दूंगा, ठीक है। आउटपुट पहले वाले का था क्यूरो, फाइन, मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको नॉर्मली रन कर सकता हूँ, जो भी मेरे इनपुट्स हैं मैं रन करके चेक कर लूँगा, और जब इसे इनका रन का आंसर आ जाएगा, अगर ये पास होते मतलब मेरा जो प्रोग्राम पास हो चुका है, तो नहीं हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं उस समय पे, उस जगह पे जहाँ पर आप कोड प्रोसेस कोड से जैसे कॉन्टेस्ट दे रहे होते हैं, और आपको वहाँ पे कौनसोल के थ्रू अगर आप इनपुट लेते हैं या कुछ करते हैं, तो आपको काफ़ी टाइम लगने वाला होता है। तो ये बहुत ही एक मुझे मेरे ख्याल से बहुत ही एक अच्छा ये एक्सटेंशन है, जिसको आप लोग अपने वीएस कोड में इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके फाइन, सो बेसिकली ऐसा ही था, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हर अपने एक प्लेटफॉर्म पर अलग अलग फोल्डर बना लें, और ये एक्सटेंशन जरूर डाउनलोड कर लें। तो बहुत ही एक बेसिक सा वीडियो था ये मेरे सेटअप का, बिकॉज मैंने पहले बताया बहुत ही एडवांस सेटअप नहीं है, नॉर्मल सा मैं यूज़ करता हूँ ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, एक सीधा साधा सेटअप जिससे मेरा कोड सही से रन हो जाए। तो सारे देखा मेरा यहाँ पर कोड रन हो चुका था, ठीक है, मेरे सारे टेस्ट केस पास हो चुके थे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस वाली फाइल को सबमिट करूँगा। सबमिट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं करना, मुझे जाना है अपने कोड फोर्सेस पे। कोड फोर्सेस में जाने के बाद में मैं यहाँ पर चूज़ फाइल करूँगा, या फिर मैं सबमिट कोड भी, या फिर मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ अपने कोड को। चूज़ करने के बाद मैं अपनी फाइल को चूज़ करूँगा, जो कि थी practice.cpp। मैंने इसको ओपन किया और सबमिट कर दिया। आफ्टर सबमिशन मैं चेक करूँगा, एंड यू कैन सी हियर दैट इट इज़ सबमिटेड, एंड ओके लेट्स वेट। तो एक्सेप्टेड तो हो ही चुकी है, इट इज़ एक्सेप्टेड, फाइन। सो इस तरीके से मैं अपने कोड प्रोसेस कॉन्टेस्ट में वीएस कोड का यूज़ करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट करके बता दो कि येस दिस वीडियो इज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम, यू कैन सब्सक्राइब टू चैनल। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग।